बच्चा देख पा रहे हो क्या मुझे? हाँ, तुम लोग मुझे आवाजें दे रहे थे, मैंने सुन लिया। तो कोई चिल्ला रहा था कि मैम, तो मेरे को एकदम आवाज आई, और देखो देख रहे हो, मैं एकदम आ गई यहाँ पे। देख पा रही हो मुझे? ये बताओ कहाँ हो आप? मैम पूजा, मैं यहाँ हूँ बेटा, देख मुझे। हेलो हेलो हुसने, आई एम वेटिंग। अरे तुम्हें मैं दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ? ये जल्दी, आई एम फ्रॉम कश्मीर मैम। हेलो बच्चा, हेलो मैम, दिखी ना मैं कि नहीं दिख रही हूँ? मुझे आज लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। पहले ये बताओ मैं दिख रही हूँ? मैम आ गई, मैम आ गई, मैम आ गई। तो अब एक बच्चे चला रही थी, मैम तो देख लो मेरे कानों तक वो आवाज आई है। वेलकम, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे आंखों के सामने से उड़ रहे हैं वो। लव यू ऑल बच्चा। सो हेलो मिस्टर नितीश, अनुष्का, शशांक, लव यू एज अ लवर बच्चा, लव यू एज अ टीचर टू ऑल ऑफ यू। यस मैम देख रहे हैं बस क्या? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग बच्चा, कश्मीर से वेलकम हियर। मैम आपने मेरी आवाज सुनी? हाँ वो साक्षी थी ना, साक्षी जो है वो माइक पे चला रही थी, मैम तो मेरे को आवाज आई पता है। मैम आज फोटो क्या फोटो? हाँ भाई रुको, आज पहले मुझे जूम करके एकदम फोटो देखने दो। अरे भैया तंगिया को देखो, एकदम ही खतरनाक ही हल्क लगा रखा है इसने तो। एलियाना, उसके बाद भूमिका ने जो है स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है, उसके बाद पंकज है हमारा, और पूजा, और पूजा को मिल चुका है पिक ऑफ द डे। ये है हमारे पास, अरे दिखाओ थोड़ा सुंदर सुंदर फोटोज भेजो। ये सना को दे दो आज पिक ऑफ द डे। अरे मेरे आंखों के सामने से उड़ रहे हो तुम लोग। सना को दे दो आज पिक ऑफ द डे। और एक एक एक, अरे यार मेरी आंखों से नाम चला गया ऊपर, कौन है ये बच्चा? रुको रुको रुको, कौन था, कहाँ गया कहाँ गया? एक पंकज को दे दो भाई, पंकज को दे दो आज पिक ऑफ द डे। ये देखो जरा खालिद का एकदम पोज देखो जरा, लड़के का। और ये कौन था, ये इसकी भी खतरनाक, शेर सिंह की पोज देखो जरा तुम लोग। चलो बच्चा चले आगे, क्या बोलते हो? हाँ ये देखो एक और बच्चा, बड़े गॉगल्स गॉगल्स वॉगल्स लगाकर एकदम स्टड बना हुआ है, देख रहे हो भाई? मुझे तो स्टड ही स्टड दिख रहे हैं यहाँ पर। और ये देखो विशाखा का, देखो भाई एकदम मस्त झकास पोज बना रखा है इसने तो। ये साक्षी की भी मजेदार पिक्चर है, क्या बात, तुम सारे लोग एकदम ही स्टड हो सारे है ना। ये देखो इंतकाम, इंतकाम, मुझे तो इंतकाम से गाना याद आता है, ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम देखेगी, दिल में भरी तूने इस जहर को। कौन सा सॉन्ग है वो, सुना है तुम लोगों ने? गुड मॉर्निंग बच्चा, विनीता, अरे कहाँ गए सारे? ये क्या हो जाता है, गुड मॉर्निंग। अरे भाई इतनी बरसातें ना करो तुम लोग, मेरे आंखों से चैट्स उड़ रही है, मैं पहले बता रही हूँ। तो अपने नाम देख लो और अपनी चैट्स भी तुम लोग खुद ही देख लो। हाँ यहाँ पर एक ना जापानीज वाला टर्म क्या था, कोची नावा नलायको। ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है। हेलो एलियाना, साक्षी, अर्णव, रवि, सुभाषी, राम, आशीष, मीमांशा, क्या है, मोहम्मद यूसुफ, दिव्या, सौरभ, अर्श। चलो नलाई को स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया। ये राम जी की चाल देखो, राम जी भी आए। चलो फिर गुलशन कुमार जी भी आए। चलो बच्चा सबका स्वागत है, स्वाग से करेंगे सबका स्वागत। तो आ जाओ फिर। तो बच्चा यहाँ पर हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और आज खतरनाक टॉपिक है, वो है ड्रग्स एंड एल्कोहल। बेटा यहाँ पर ड्रग्स और एल्कोहल बहुत खतरनाक है, और हमें 30 मिनट में ये कंप्लीट करना है। और तुम लोग जो है वो बहुत इतनी सारी बातें कर करके जो हो, हेलो टेल, बिल्कुल गुलशन, अभी तो हमने बोला देखो, एक तो है गुलशन हमारे वो भजन कीर्तन वाले, एक है गुलशन ग्रोवर। तो याद है ना गुलशन ग्रोवर कितना खतरनाक है। तो चलो मैम, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस टॉपिक।
हाँ तो बच्चा ठीक है, और इसमें से काफी क्वेश्चंस भी पूछता है और बहुत क्रिस्टल क्लियर आज हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या ऑप्शन मार्क करना है। ठीक है, तो बेटा ये जो है तुम लोगों के प्रॉपर नीट के लिए, प्रॉपर बोर्ड्स के लिए एकदम की पॉइंट मैं तुम्हें देने वाली हूँ आज इस टॉपिक के। ठीक है, तो ड्रग्स और एल्कोहल बेटा खतरनाक चीज आज हमने पढ़ने वाला है, इस पे ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे आज टाइम। बोर्ड सबको पता है बच्चा, फ्री 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 रोज बता रही हूँ मैं कि 11-18 अप्रैल 3 बजे है। इसका फायदा क्या है? इन डेप्थ एनालिसिस, गारंटेड स्कॉलरशिप, डेली क्विजेस में बच्चे गिफ्ट लेकर जा रहे हैं, ड्रोन्स वगैरह, एक दिन के लिए वेदांतों का सीईओ बनने का मौका, अमेरिका जाने का मौका, नासा की फ्री ट्रिप जो पूरी स्पॉन्सर कर रहा है हमारा वेदांतु। रजिस्टर करना है बच्चा, यहाँ पर डेट को डेट सेलेक्ट कर लेना। रजिस्टर करना कैसे? ऐप को डाउनलोड करके ऐसा पेज खुलेगा, जल्दी से बोर्ड पे रजिस्टर कर लो। ठीक है, और यहाँ पर विजिट करना है, वीडियो के नीचे एक लिंक है, ऐसे डिट्टो लिंक है बच्चा, उस पे जाकर क्लिक करोगे पहुंच जाओगे इस पेज में, रजिस्टर फॉर बोर्ड कर देना। 11th के लिए सबको पता है मार्किंग स्कीम, 90 क्वेश्चन होंगे, ये यहाँ पर क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, सबको पता है भाई नीट वाला पैटर्न होगा और 90 मिनट्स होंगे। ठीक है, और 12th वालों के लिए 180 क्वेश्चन 180 मिनट में, +4 -1 गलत के लिए और +4 सही आंसर के लिए मिलेंगे। अपना फ्रेंड सर्कल बनाकर यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द क्विजेस एंड बहुत सारे कॉइन्स जीतकर गिफ्ट लेकर जा सकते हो। दैट्स ऑल। जो आज हमारे प्यारे प्यारे नए बच्चे हैं उसको जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो बच्चा, जिससे कि यहाँ पर, और जो सब्सक्राइब कर, जो भी नए बच्चे हैं जल्दी से सब्सक्राइब करो पहले तो, ठीक है, उसके बाद उनकी आरती करी जाएगी, बेल आइकन दबा दो और उसके बाद ऑल कर देना जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आते रहे और तुम लोग पढ़ाई करते रहो, है ना। उसके बाद बेटा टेलीग्राम ग्रुप, यस टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लो, ऐसी ही लिंक यहाँ पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही प्रेस करोगे वहां पर ऐड हो जाओगे खुद ब खुद। पीडीएफ नोट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, नोटिफिकेशन अवेलेबल है, क्विजेज होंगी, टी शर्ट भी मिलेगी। ठीक है, और बेटा ये है आज का स्केड्यूल देख लो, पहले मेरी क्लास, दूसरी क्लास मेरी यहाँ पर फिजिक्स की है हमारे सचिन सर की, उसके बाद फिर से मेरी क्लास है, फिर मैम की है, फिर मैम की, मीनाक्षी मैम की है, फिर भूमिका मैम की है, फिर यहाँ पर हमारे अरविंद सर की है। ठीक है, तो चलो अब आते हैं मुद्दे पर, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग हमारे बच्चों का टाइम। ठीक है, तो चलो आते हैं अब मुद्दे पर, बहुत हो गया, तो यहाँ पर जल्दी देख लो बच्चा आप। ठीक है मैम, इस टॉपिक पर नलायक करना, मैंने ऐसा कूटना है ना तेरे को, मुक्के मार देना है। ठीक है, फुल प्रमोशन बाजी। अच्छा जी देखो जरा, है भाई, ठीक है, तो चलो इधर देखो, है ना। तो बच्चे यहाँ पर जो ड्रग्स और एल्कोहल आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ड्रग एल्कोहल की जब बात करते हैं हमें पता है भाई कितने खतरनाक चीजें हैं ये, है कि नहीं है। ठीक है, मानते हो कि नहीं मानते हो, खतरनाक है कि नहीं है। तो बेटा यहाँ पर ऐसे ऐसे इफेक्ट होंगे ना, ऐसे ऐसे कांड होंगे इनको खा पी कर कि तुम लोग जो है झूमते मिलोगे दिन भर, है ना। तो बेटा इनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो मतलब आज तुम लोग इनके फायदे नुकसान, फायदा तो देखो कुछ होता नहीं इनका, लेकिन नुकसान बड़े हैं इसके, तो बेटा इनसे दूर रहो, समझे। तो यहाँ पर जो है दूर रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चा एडिक्शन क्या होता है, तो जल्दी मुझे बता दो चैट बॉक्स में लिखकर एडिक्शन होता क्या है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताओ एडिक्शन होता क्या है, जल्दी से। ठीक है, तो यस, तो एडिक्शन क्या होता है बच्चा, रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंस ऑफ अ ड्रग और केमिकल इन बोथ अदर देन मेडिसिनल यूज। तो बच्चा यहाँ पर क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है एडिक्शन मतलब होता है कि किसी ड्रग, किसी केमिकल के लिए हमारी बॉडी इतनी आदी हो गई है कि बेटा अब वो नहीं मानेगी, अब उसको बॉडी में चाहिए अल्कोहल और ड्रग, क्योंकि हमारा दिमाग को मजे आने लगे कि बेटा यहीं पर है सारा, क्या बोलते हैं, सारा का सारा जो मजे है वो यहीं पर ही है। ठीक है, तो जब ऐसी हो जाती है ना बॉडी तो लग जाते हैं, तो यहाँ पर कांड हो जाते हैं अच्छे अच्छे ठीक है। तो पहला जो ड्रग है बच्चा वो होते हैं सेडेटिव ट्रैंक्विलाइजर्स। ठीक है, सेडेटिव ट्रैंक्विलाइजर्स वो डिप्रेसेंट की तरह यहाँ पर काम करते हैं, जो हर चीज को काम डाउन कर देते हैं, तो इसको लेने के बाद लगता है भाई अपुनिज भगवान वाली फीलिंग आती है, बड़े होली होली दुनिया चलने लगती है, आराम आराम से सब मजे में चल रहा है, सब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आराम से हो रहा है, लेकिन बेटा इसके खतरनाक है। ठीक है, तो ये डिप्रेसेंट की तरह एक्ट करता है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, तो जिन लोगों को एंजाइटी होती है उन लोगों को ये ड्रग्स दिए जाते हैं, डॉक्टर्स इनको रिकमेंड करता है। ठीक है,
उसके बाद बच्चे यहाँ पर जो है वो कामनेस, मैंने कहा ना बिल्कुल मजेदार, मतलब ऐसा लगता है कि चलो ठीक है सब मजे में चल रहा है, यू नो एवरीथिंग इज गोइंग गुड, ऐसे मतलब एकदम यूफोरिया में होते हो। यूफोरिया मतलब फीलिंग ऑफ गुड, लाइक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस वाली फीलिंग, ऐसा लगता है कि सब अच्छा है, वेल बींग वाली फीलिंग आती है कि ऑल इज वेल, और ऐसी ऐसी फीलिंग्स आती है, ठीक है। तो मतलब ऐसा लगता है, उसके बाद यहाँ पर नींद भी आ जाती है जल्दी। तो ये स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स होते हैं बच्चा। एग्जाम्पल क्या है, बारबिट्यूरेट्स, बेंजोडाइजपीन जो कि बारबिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम्पल क्या है, वेलियम है, डाइजेपैम है बच्चा, जो स्ट्रॉन्ग डिप्रेसेंट होते हैं, तो मतलब कतई काम कर देंगे तुम लोगों को, एकदम सुन। तो मतलब समझ में आ रहा है कि एकदम ही काम हो गए, एकदम ही सुन हुए पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद है बच्चा ओपिएट नार्कोटिक्स, यस। तो यहाँ पर पहला ड्रग कौन सा हमने पढ़ा, लिख दो सारे, सेडेटिव ट्रैंक्विलाइजर्स, उनके एग्जाम्पल क्या है बच्चा, बारबिट्यूरेट्स, बेंजोडाइजपीन और यहाँ पर वेलियम डाइजेपैम है। तो ये जितने ड्रग्स हैं वो सारे कैसे हैं, डिप्रेसेंट ड्रग होते हैं, कामनेस बॉडी में लेकर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओपिएट्स नार्कोटिक्स, और इन ड्रग्स को वैसे मेडिसिनल यूज में करा जाता है बच्चा, लेकिन अगर इसको लोग अब्यूज करने लग गए, मेडिसिनल यूज के अलावा अगर अब्यूज करने लग गए, तो बेटा इनके खतरनाक जो है खतरनाक रिजल्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ओपिएट्स नार्कोटिक्स, जो कि कौन से प्लांट से निकाला जाता है, पेपेवर सोमनीफेरम, समझ में आया। उसके लेट बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो जल्दी बता दो ओपिएट्स नार्कोटिक्स जो होता है वो कहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियस बात है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे कहां से, यहाँ पे लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट होता है, उसके लेटेक्स से निकालते हैं, ओपियम प्लांट, पॉपी प्लांट उसका कॉमन नेम है, ठीक है। तो इसके लेटेक्स से निकालेंगे, उसके बाद बेटा इसका रिसेप्टर कहां पर होता है, ओपिएट्स नार्कोटिक्स जितने ड्रग्स होते हैं उनका रिसेप्टर कहां पर होता है, वो किसको यहां पर अफेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, दूसरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों के ऊपर इसका खतरनाक इफेक्ट होता है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्टिव सेडेटिव, ये भी सेडेटिव होते हैं, ये भी डिप्रेशन की तरह मतलब बॉडी को काम डाउन करते हैं, और पेन किलर की तरह भी काम यूज में होते हैं, लेकिन ये यहां पर उन लोगों को दिया जाता है जो सर्जरी हुई है जिनकी अभी, ठीक है, क्योंकि दर्द होगा उनको, उनको जो है बहुत ज्यादा दर्द होगा तो बेचैनी भी होगी, तो सेडेटिव पेन किलर की तरह ये काम करता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, पहला डाइजेशन पर, मैंने कहा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को जाकर पहले अफेक्ट करेगा, दूसरा यहाँ पर रेस्पिरेशन रेट को भी थोड़ा काम डाउन कर देता है, ठीक है, तो रेस्पिरेशन रेट डाउन हो गया, तीसरा बच्चे यहाँ पर पेन रिलीवर है जिसको एनर्जेसिक भी बोलते हैं, जैसा मैंने कहा पेन किलर होता है, ठीक है, तो पेन रिलीवर सर्जरी के टाइम पर जो ड्रग दिए जाते हैं वो पेन किलर्स दिए जाते हैं, पेन रिलीवर ओपिएट्स नार्कोटिक्स दिए जाते हैं, तीसरा यूफोरिया, मैंने वही कहा यूफोरिया मतलब क्या होता है, टेम्पररी स्टेज ऑफ हैप्पीनेस, सब लगता है ऑल इज वेल, सब मजेदार है ना, तो लाइफ में एकदम जिंगल आला है, तो ऐसा लगता है कि बस अपुन भगवान है, सब बढ़िया है, सब मोहमाया है, बाकी यही है, ठीक है। उसके बाद इंड्यूस बेटा, लेकिन यहाँ पर फर्टिलिटी भी लॉस हो जाती है, काम में दिल नहीं लगता, उसके बाद दिल तो एक ही जगह लगा रहता है, ठीक है। तो बेटा ये बहुत ही खतरनाक है, लोग लेते कैसे इसको, स्नॉट करके, स्नॉट मतलब समझ रहे हो ना, नाक से ले लेते हैं स्नॉट करके, और इंजेक्शन के थ्रू भी लेते हैं लोग, तो बच्चे यहाँ पर बहुत इसके नुकसान है, ठीक है, डैमेज करता है ब्रेन को, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी गड़बड़ कर देता है, और उसके अलावा यहाँ पर बेटा ये मेंटल डिसऑर्डर तो कर ही रहा है कि अलग ही दुनिया में चले जाते हो, अलग ही खुशी खुशी कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेचुरल ओपिएट नार्कोटिक्स जो होते हैं बच्चा, वो मॉर्फिन है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे एनर्जेसिक होते हैं, तो मैंने कहा एनर्जेसिक पेन किलर होता है, ठीक है। उसके बाद ये नेचुरल है, नेचुरल मतलब नेचुरली प्लांट से निकाल रहे इसको, ठीक है। दूसरा है बच्चा सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक मतलब हमने क्या करा, नेचुरल में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, जैसे एग्जाम्पल क्या है, कोडीन और मिथाइलेटेड मॉर्फिन, नाम से समझ में आ रहा है, मॉर्फिन के साथ मिथाइल जोड़ दिया, मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया हमने, इसलिए उसको सेमी सिंथेटिक बोलते हैं, कि नेचुरल में कुछ मॉडिफिकेशन कर देना है ना। तो बच्चा यहां पर कफ सिरप में बेसिकली कोडीन डाला जाता है, तो याद है ना
मतलब सुना होगा कि देखा होगा कि जैसे कफ सिरप पीते हैं ऐसी नींद आती है जिसकी कोई हद नहीं, बढ़िया सी नींद आने लग जाती है ना। और कुछ लोग जो होते हैं उसको पूरा बॉटल पी जाते हैं और मतलब अलग ही लेवल पर झूम रहे होते हैं, फिर तो बेटा ये बहुत ही गलत चीज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है हेरोइन, ब्राउन शुगर, स्मैक, जो कि होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। क्या होता है बच्चा, मॉर्फिन के साथ डाई एसिटाइल ग्रुप लग जाए तो वो हेरोइन ब्राउन शुगर उसको बोला जाता है, स्मैक बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या करेगा बच्चा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को जाकर अफेक्ट करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन को अफेक्ट करेगा। तो देख रहे हो ब्रेन और जीआईटी खत्म है ना। तो देखो ये है यहाँ पर मॉर्फीन है ना, ओपियम पॉपी से निकाला जाता है, ये प्लांट है उसका, ठीक है। उसके बाद अगर किसी ने ओवरडोज किया इसको तो होगा हेडेक, होगा वॉमिटिंग, नोजिया, ठीक है। दिखता कैसा है ये ब्राउन शुगर बच्चा, व्हाइट कलर का, या फिर ये स्मैक वगैरह दिखता कैसे, व्हाइट कलर का, ओडरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होती उसमें, कड़वा सा होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, एकदम क्रिस्टल समझ लो ना, वो डायमंड क्रिस्टल होते हैं जो है ना, चीनी के जो क्रिस्टल होते हैं उसकी तरह ये होता है, ठीक है। थर्ड है बच्चों स्टिमुलेंट्स। तो थर्ड कौन सा है स्टिमुलेंट, तो दो हमने पढ़ लिए हैं, दो याद रखने जो अभी हमने पीछे देखे, ठीक है। उसके बाद हम स्टिमुलेंट्स पढ़ने वाले, नाम से समझ में आ रहा है हमें एकदम स्टिमुलेट कर देगा और हम एकदम क्या बोलते हैं, एकदम मजे में बोल रहे हैं, एकदम कर रहे हैं, एकदम खुश हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मतलब अलग ही चल रही है हमारा लेवल है ना। तो जो स्टिमुलेंट्स होते हैं बच्चा हमारी बॉडी को हाइपर एक्टिव कर देते हैं, हमें एकदम मतलब मजे आने लग जाते हैं, एकदम एकदम ही उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मतलब मजे आ रहे हैं लाइफ में, है ना। तो स्टिमुलेंट्स जो होते हैं हमें एक्टिव कर देता है। तो जानना चाहोगे स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं तो बच्चा सुन लो, पहला तो इसने हार्ट रेट को बढ़ा दिया, बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, वर्क में बड़ा काम इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बीट बोर्डम, बोर्डम तो मतलब नाम आस पास भी नहीं आती है हमारे, ठीक है। उसके बाद ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया, भूख थोड़ी कम लगेगी, थोड़ी नहीं ज्यादा कम लग जाती है, ठीक है। अगर ओवरडोज हो गया तो उस केस में रातों की नींद हो जाएगी गायब, तो बेटा रातों को निंदिया नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद हो जाएगी बेचैनी, रेस्टलेसनेस, सोचोगे क्या करूं क्या करूं, क्या चल रहा है ये बॉडी में, है ना। तो फिर रेस्टलेसनेस हो जाओगे, पता चले मिल्खा सिंह ही बन गए, है ना। उसके बाद नर्वसनेस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि भाई समझ नहीं आएगा चल क्या रहा है बॉडी में, दे उल्टियां, वॉमिटिंग में वॉमिटिंग मारोगे, है ना। एनोरेक्सिया, बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है बहुत बार इसकी वजह से, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर देखो स्टिमुलेंट्स कौन से होते हैं, तो जो माइल्ड स्टिमुलेंट्स होते हैं वो होते हैं कैफीन, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, चाय में। बताओ किस किसने अभी चाय पी बेटा, जल्दी बताओ किस किसने अभी चाय कॉफी चॉकलेट खाकर आया है, ठीक है। तो देखा है जैसे चाय कॉफी चॉकलेट पीते हो वैसे की वैसे क्या होता है यहाँ पर, एकदम से बॉडी एकदम एक्टिव हो जाती है ना। तो बच्चा दो मिनट दो मेरे को, यहाँ पर हमारा फोन कहाँ गया, हाँ तो यहाँ पर आ गए हम वापस, ठीक है। तो बच्चे एब्सोल्युटली करेक्ट, तो यहाँ पर जो है चॉकलेट, हाँ तो देख रहे हो यहाँ पर मैंने पी थी, अरे ये क्या पीने पिलाने वाली बात नहीं चल रही है नलायक को। देखो यहाँ पर जो है चाय, अच्छा चाय कॉफी नहीं पीती, तो बेटा चाय कॉफी चॉकलेट से ऐसे मजे आ रहे होते हैं, चॉकलेट खाने के बाद देखा कितनी खुशी होती है, खासकर डार्क चॉकलेट खाओ जरा, है ना। तो उसके बाद जो है बेटा यहाँ पर देख रहे हो सब मिलके जिंदगी, क्या सब मिला के जिंदगी झंड, अरे बेटा नितेश इतना भी क्या फिलोसफर बन गया तू। अंकित बोल रहा है अल्कोहल तो मैं आज ही, अरे 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 मैम हाँ पी रहे हैं चाय, आ जाओ, अच्छा तो ठीक है, तो इतनी भी चाय मत पीना कि पता चले लेट ही जाओ, है ना। तो एक दिन पता क्या हुआ, ऐसे मेरे एग्जाम चल रहे थे है ना कॉलेज में, तो अब एग्जाम के, अब पढ़ाई होती है एग्जाम से, कॉलेज में कैसी पढ़ाई होती है एग्जाम से एक दिन पहले, तो बस उस दिन मैंने सोचा कि पूरे के पूरा जो वो थर्मल फ्लास्क होता है भर दिया उसको ब्लैक कॉफी से, मैंने कहा आज तो रात भर होगी पढ़ाई। और बेटा वो इतना बड़ा फ्लास्क मतलब कितने लीटर का रहा होगा, 1 लीटर का तो था वो, ठीक है। अब उसको भर दिया पूरा ब्लैक कॉफी से और पूरी रात ऐसा सुड़क, मतलब हर आधे घंटे में मतलब ऐसे फैशन मजा आ रहा था, एकदम ऐसे निकाला और आज तो हम पढ़ाई करेंगे। और बेटा सुबह ऐसी हालत खराब हुई वो 1 लीटर कॉफी रात को जो पी है, तो बेटा ऐसा करना मत, ठीक है। तो मतलब उसके बाद सुबह समझ नहीं आ रहा था मैं एग्जाम लिखूं ये क्या करूं, ये क्या चल रहा है मेरी बॉडी के अंदर, तो मतलब अलग ही चक्कर से आ रहे थे, मतलब अलग ही चल रहा था पेट में, है ना। हु डिस्कवर डिजीज, अरे बच्चा यहाँ पर डिजीज डिस्कवर कौन ही करेगा, यहाँ पर डिजीज तो पहले से ही प्रेजेंट होती है ना। चॉकलेट खाता हूं मैम,
हाँ चॉकलेट खाया करो, अरे दबा के खाओ चॉकलेट, इतना भी मत खाना कि पता चले डायबिटीज ही हो गई मीठा खा करके। डार्क चॉकलेट खा लिया करो तुम लोग, है ना। डार्क चॉकलेट तो तुम लोग एक पीस से ज्यादा नहीं खा पाओगे। मैं तो मतलब सोचती हूँ कि लोग खाते भी कैसे वो डार्क चॉकलेट, नहीं कड़वी तो होती है वो, है ना। उसके बाद देखो बच्चा, कोकेन, कोका एल्कलॉइड, कोक, क्रैक, देख रहे हो भैया, स्टिमुलेंट्स हैं ये सारे, ठीक है। तो इनको कोका प्लांट से बनाया गया बच्चा, एग्जाम है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने देखो कैटेगरी वाइज जो है बिल्कुल सेलेक्ट, बिल्कुल अलग अलग इसमें डाल दिए, जिससे तुम लोग जब एनसीईआरटी पढ़ोगे अब कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से लिया गया, जो साउथ अमेरिका का प्लांट है ना। तो उसके बाद कोकेन जो है, कोका एल्कलॉइड, कोक, क्रैक, ये सारे स्टिमुलेंट्स होते हैं, है ना, बॉडी को हाइपर एक्टिव कर देते हैं। और इनको लिया कैसे जाता है, स्नॉट करके। स्नॉट समझ लो ना, वो नाक में ऐसे, देखा होगा वो पिक्चर्स में, ऐसे एकदम ले लेते हैं नाक से, है ना। तो बेटा बहुत ही खतरनाक होता है इसका असर, और मतलब इमेजिन करके देखो मतलब कैसा वो नाक से लेते हैं, है पता नहीं क्या ही चल रहा होता है बॉडी में उनके, पूरे लंग्स, फेफड़ों, फेफड़े कहते होंगे, बेटा क्या कर रहा है जिंदगी में, पढ़ो लिखो आईएएस वाईएएस बनो, पता नहीं क्या सुड़ुक सुड़ुक करे जा रहे हैं ना। इधर देखो बच्चा, इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन, डोपामीन के साथ करेगा इंटरफेयर, डोपामीन को कहेगा बेटा चल चल साइड हट, अब मेरे को काम करने दे, और मैं इसको जरा अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर हुआ अवेक, हम एकदम हेलुसिनेशन में चले गए, ठीक है। तो हेलुसिनेशन क्या होता है बच्चा, अलग ही अपनी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, मतलब अलग ही दुनिया में है, ठीक है, सोच रहे कि हाँ एकदम क्या बोलते हैं, मेरा है एक सपना फूलों के शहर में हो घर अपना। तो बस ऐसी फीलिंग आती है, तू कहाँ है, मैं यहाँ हूँ, मैं आई 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 आ जा, बट ऐसी फीलिंग आती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर देख रहे हो कि अलग ही दुनिया में हो, रियलिटी में तो जी नहीं रहे हो, फिल्मी दुनिया चल रही है पूरी पूरी फिल्मी दुनिया, ठीक है। पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस नर्वस सिस्टम को बच्चा करता है ये अफेक्ट, और सेंस ऑफ यूफोरिया होती है, मतलब ऐसा लगता है सब बढ़िया है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हाई एनर्जी चल रही है बॉडी में, है ना। तो बच्चा यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे एम्फिटामीन्स है, पेप पिल्स होती है, डेक्सा एम्फिटामीन है, ये स्पोर्ट पर्सन अब्यूज भी करते हैं, जिससे वो काफी हाइपर एक्टिव हो जाए और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जीत जाए। तो बच्चा उनके लिए डोप टेस्ट होता है, इसलिए वो डोप टेस्ट करा जाता है ना, एना मिना डोप शोप है, मारिया करी, तो बस वो ऐसा सॉन्ग एक है अजीब सा। तो यहाँ पर डोप टेस्ट किया जाता है बच्चा इसके लिए, ठीक है। तो याद रखना ये सारे स्टिमुलेंट्स भाई साहब के करामात हैं, ठीक है। सो लेट्स गो टू अनदर अनदर पार्ट, दैट इज हेलुसिनोजेनिक और साइकेडिलिक ड्रग। साइकेडिलिक ड्रग मतलब पता है क्या होते हैं बेटा, सेंस ऑफ रियालिटी हो गई है डिस्टर्ब, तो अब बेटा रियालिटी तो कुछ है नहीं, अलग ही एकदम मस्त से हेलुसिनेशन में हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, साइकेडेलिक ड्रग्स मतलब पूरा का पूरा रियलिटी ड्रीम्स में अब कोई फर्क पता नहीं चल रहा है, ठीक है। सपना भी रियल लग रहा है, रियलिटी भी सपना लग रहा है, तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या रियल है क्या सपना है, तो मतलब अलग ही लेवल पर है ना। तो मतलब ये लोग मुझे लगता है कभी जिंदगी जी ही नहीं पाते हैं, है ना। इंड्यूस साइकोसिस, साइकोसिस मतलब होता है डीप मेंटल डिसओरियंटेशन, दिमाग घूम रहा है और इतना डीपली घूम चुका है कि भैया अब सेंस ऑफ रियलिटी एकदम हो गई है खत्म, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो है ये किसके साथ इंटरफेयर करेगा, सीरोटोनिन के साथ करता है इंटरफेयर, और सेंस ऑफ रियलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, हमें समझ नहीं आ रहा बेटा चल क्या रहा है, ठीक है, सब एकदम लगे पड़े अपने सपनों की दुनिया में, हसीन दुनिया में, है ना। एलएसडी इसका एग्जाम्पल है जो यहाँ पर मिलता है हेलुसिनेशन के लिए, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फंगस क्लेविसे परप्यूरिया। तो बच्चा ये फंजाई से निकाला जाता है, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो देख रहे हो फंजाई से एक्सट्रैक्ट करके इसको बेचा जाता है, ठीक है। उसके बाद साइलोसिबिन, पेप, ये सारे हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो कि अलग ही यहाँ पर लेकर जा रहे हैं, अलग ही ट्रिप में लेकर जा रहे हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर बच्चे और भी हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स होते हैं, साइकेडेलिक ड्रग होते हैं, जैसे भांग, दतूरा, तो ये सारे भी ऐसे ही काम होता है इनका, ठीक है। दतूरा, तो दतूरा इज द एग्जाम्पल हियर, है ना। तो दतूरा भी हेलुसिनेशन करता है, ठीक है।
इसको दतूरा को कहां से निकाला जाता है, एंड दतूरा एंड एरियल पार्ट, एरियल पार्ट मतलब ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं फ्लावर्स वगैरह, पार्ट ऑफ एट्रोपा बेलेडोना। बेटा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिख लेना ठीक है। एट्रोपा बेलाडोना, इनकी भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, दो प्लांट्स है यहाँ पर ठीक है, इनका भी काफी खतरनाक हेलुसिनेशन होता है ठीक है। पांचवा जो ड्रग है, फेमस ड्रग, वो है कैनेबिनॉइड्स, है ना। तो यहाँ पर हाँ, तो बच्चे यहाँ पर देखो कैनेबिनॉइड्स है, तो कैनेबिनॉइड्स में क्या होता है देखो आप ठीक है। तो यहाँ पर जो है किधर से लिया जाता है, इनफ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर पार्ट से ऑफ कैनबिस सैटिवा। तो ये एग्जाम एग्जाम में पूछा जाता है बच्चा, कौन से प्लांट से कैनबिनॉइड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं ठीक है। इनफ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर पार्ट ऑफ कैनबिस सैटिवा से इसको लिया जाता है। और रिसेप्टर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके रिसेप्टर कहाँ है बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर से दिमाग में करने वाला है गड़बड़, है ना, फिर से दिमाग में होगी। हाँ तो यहाँ पर देखो कैनेबिनॉइड्स, यस बच्चा यहाँ पर जल्दी से देखो अब, ये इसको स्मोक करके लेंगे है ना, या तो फूक कर लेते हैं या फिर ओरली खा जाते हैं, चबा जाते हैं इसको ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है बेटा इसकी, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है इसकी भी। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करता है एंड अब्यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको अब स्पोर्ट्स पर्सन भी अब्यूज करते हैं, वो खा जाते हैं इसको, है ना। उसके बाद बच्चा एग्जाम्पल क्या है, भांग। तो मेल और फीमेल फ्लावर टॉप से भांग को निकाला जाता है। मेरिवाना है, गांजा है, चरस, हशीश, हैश ऑयल, तो मतलब ये सारे के सारे कैनेबिनॉइड्स होते हैं। तो मेरिवाना से लेकर गांजा, ये सब फीमेल फ्लावर पार्ट से निकाला जाता है, फीमेल इनफ्लोरेसेंस से निकाला जाता है ठीक है। बाकी जो ऊपर वाला भांग है वो मेल फीमेल दोनों पार्ट से निकाल सकते हैं ठीक है। तो बच्चा देख रहे हो यहाँ पर, आई नी ठीक है, तो जल्दी से करो बच्चा यहाँ पर। तो ये देखो, ये कैनेबिनॉइड का स्ट्रक्चर है, ये कैनबिस सैटिवा की लीव है जहां से कैनेबिनॉइड को निकाला जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनका रिसेप्टर है, ओरल करके या स्मोक से ये लिया जाता है। बच्चा मैं पहले बता रही हूं, मैंने बहुत क्रिस्टल क्लियर एक एक चीज लिखी हुई है, एग्जाम के लिए प्रॉपर ये टॉपिक आज हो जाएगा तुम लोगों का ठीक है। उसके बाद टोबैको एडिक्शन, तो टोबैको वो देखा ना, तंबाकू जमाते हैं जो लोग या फूकते हैं बीड़ी सिगरेट, तो बच्चा वो सारा का सारा टोबैको ही होता है ठीक है। तो कहाँ से निकालते हैं ये टोबैको, तो बच्चा ये तंबाकू जो होता है वो निकोटीना टोबैकम से या निकोटीना रस्टिका, दो प्लांट है जहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है टोबैको। उनमें निकोटीन होता है, एल्केलॉइड होता है, ये केमिकल्स होते हैं उसमें, जो क्या करेगा, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन को कहेगा बेटा चलो मचाओ आतंक। तो बेटा यहाँ पर जो निकोटीन है उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया है ना, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन को आ गए मजे है ना। तो उन्होंने कहा बेटा चलो मैम अल्कोहल के बाद एनर्जेटिक ले सकते, अरे अरे भाई अल्कोहल ले क्यों रहा है शमीर खान, काहे ले रहा है अल्कोहल बेटा, सारे एकदम खतरनाक है, ये मुकेश की एडवर्टीजमेंट, हाँ देखा है वो मुकेश, तो वो कहता है कि पहले मैं ऐसा था, फिर मैंने तंबाकू चबा चबा कर मुझे मुंह का कैंसर हो गया, और फिर वो मुंह खोलता है अपना और पूरा जबड़ा उसका हटा लिया होता है ठीक है। तो बेटा ऐसे काम तो करो मत ठीक है, ये जो तंबाकू वंबाकू चबाने 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 वाले काम है फेंक दो इनको आप ठीक है। सिगरेट विगरेट सब मोह माया है, सब ऐसे फैशन के चक्कर में, कूल के चक्कर में फूल ही दिखते हैं वो लोग ठीक है। एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन बच्चे यहाँ पर उसको स्टिमुलेट करेगा, तो लो जी बॉडी हो गई हाइपर एक्टिव, बॉडी कह याहू कोई मुझे जंगली कहे, और फिर खुश, मतलब एकदम मजे चल रहे हैं इनके है ना। उसके बाद कैसे लिया जाता है सबको पता है, चबा कर लिया जाता है, स्नफ करके लिया जाता है। तो बेटा यहाँ पर इस तरीके से स्मोक करके लिया जाता है, तो अलग अलग फॉर्म में इसको लिया जाता है ठीक है। उसके बाद चू अगर कर रहे हो उसको बेटा, तो ओरल कैंसर होने के पूरे चांसेस हैं, पता चला जबड़ा ही हटा दिया पूरा मुंह से है ना। उसके बाद जो स्मोक करता है सिगरेट को या फिर जो भी चीज हुक्का वुक्का जो बड़ा कूल समझते हो तुम लोग, लेकिन वो फूलनेस ही होती है ठीक है। तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाएगी और यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई, तो क्या होगा फिर, ऑब्वियस ही बात है चक्कर आएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और बेटा अलग ही चल रहा होगा बॉडी में ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लंग कैंसर के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि पूरा धुआं कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है बच्चा, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर होने के चांसेस है, थ्रोट कैंसर होने के चांसेस है, ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकियोल्स इन्फेक्शन, एम्फिजीमा मतलब लंग्स में एल्विलाई हो जाती है डीजनरेट। लो जी
जो धुआं अंदर लिया था फेफड़ों के, तो फेफड़े अब पिघलने लगे, मतलब डीजनरेट होने लग गई उनकी वॉल, एल्वियोलाई की वॉल, और लो जी अब एक्सचेंज ऑक्सीजन का नहीं होगा एफिशिएंटली, है ना। उसके अलावा हार्ट डिजीज कॉज करेगा, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में असर करेगा। तो बेटा अब देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो कि किस तरीके से इस शराब की बोतल ने इस आदमी को अपना गुलाम बना लिया। देख रहे हो इस फोटो को, जल्दी देखो बच्चा। यस, तो इस फोटो से हमें पता चला कि एक बोतल ने इसको अपना गुलाम बना दिया। तो जल्दी बता दो कि इसको गुलाम बनाना है या फिर इसका गुलाम बनना है, जल्दी बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे खतरनाक है ये सारा, है ना। तो उसके बाद एल्कोहल के क्या क्या इफेक्ट है, एक इफेक्ट नहीं है, बॉडी में आंखें बंद करके जितने ऑर्गन है ना बेटा, सबको ये करने वाला है अफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, डिसीजन मेकिंग कम हो जाती है, हमें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या बोलना चाहिए, है ना। तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी हो गई खत्म, रिफ्लेक्सेस सही से काम नहीं कर रहे, तो इसीलिए ड्रिंक एंड ड्राइव वाले जो लोगों का चलान कटता हैवी चलान कटना चाहिए इनका। स्टेगर्ड गेट, मतलब इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, बस ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, तो मतलब लुढ़कते फुड़कते चल रहे हैं बच्चा। इनकोहेरेंट स्पीच, मतलब बोलना बोला ही नहीं जा रहा, देखा है कभी बेवड़ों को बोलते हुए, है ना। कोहेरेंट स्पीच तो मतलब कैसे बोलते हैं कि मतलब अलग ही लेवल पर होते हैं, कि समझ ही नहीं आ रहा उनको कि बोल आवाज ही नहीं निकल रही है, तो जबरदस्ती उनके मुंह से आवाज निकलती है ना। तो ये होता है इनकोहेरेंट स्पीच, बिकॉज यहाँ पर सेरेबेलम इफेक्ट होता है। ठीक है बच्चा, स्टेगर्ड गेट क्यों, क्योंकि सेरेबेलम हमारी बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है और इसी को ये अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर कौन अफेक्ट हो गया, सेरेबेलम अफेक्ट हो गया, है ना। तो जिससे हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, सही से बोल नहीं पा रहे हैं, सही से चल नहीं पा रहे बेटा, न्यूरॉन के इंफेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। न्यूराइटिस मतलब होता है, आइटिस मतलब इंफेक्शन, न्यूरो मतलब एग्जॉन, बेसिकली ये बात कर रहे हैं, एग्जॉन का इंफ्लामेशन होने के पूरे चांसेस है। तो बेटा दूर रहो। ठीक है, तो देख लो क्या करना चाहिए, इतने सारे इसके साइड इफेक्ट है। लो जी, एल्कोहल का सिर्फ साइड इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं है, ये एंडोक्राइन सिस्टम को भी नहीं छोड़ रहा है। वो कह रहा बेटा तेरे को कैसे, हाँ कबीर कह रहा है इधर चला मैं उधर चला, डांस करता हुआ देखा है मैम, हाँ तो देखा वो नागिन नागिन नागिन, हम तो मतलब पीने के बाद अलग ही नाच रहे हैं वो। ठीक है, तो मतलब कहीं उनका पैर जा रहा है, कहीं उनका हाथ जा रहा है, कहीं उनका शरीर जा रहा है, कहीं उनके बाल जा रहे हैं, तो मतलब अलग ही लेवल पर, है ना। तो बस ऐसे ही, मैं शराबी मैं शराबी मैं शराबी बस ऐसे गानों पे नाचते हैं वो लोग। क्या देखो जरा यहाँ पर अलग ही, क्या पीले पीले हो मेरी जानी। थैंक्स अ लॉट बच्चा प्रतीक। तो यहाँ पर मैम इस टॉपिक पर ये देखो जरा बेटा, रुक जा अर्णव, रुक जा, अपनी मम्मी पापा का नंबर दे बेटा, रुक ला नंबर दे अपनी मम्मी पापा का। हाँ बेटा प्रमोद लाइयो, अपना नंबर दियो जरा मम्मी पापा का, जरा मैं उनको भेजू ये मैसेज कि ये चल रहा है हमारा बेटा जो है ज्ञान लेने के चक्कर में ऐसी काम कर रहा है। दो बेटा जरा नंबर दो माँ बाप का। थैंक्स अ लॉट बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर जो है वो लोग जो वो डीजे में उतरते हैं ना एकदम, मैं शराबी मैं शराब, फुल कॉन्फिडेंस, वैसे जो है वो छुप रहे होंगे, शर्मा रहे होंगे, दारू एक जैसे दारू अंदर गए उसके बाद अलग ही कॉन्फिडेंस में नाच रहे हैं ना। तो बेटा ऐसा है कि बेइज्जती भी हो जाती है ऐसे लोगों की, है ना। उसके बाद जो है ये क्या करेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को डिक्रीज करवा देगा, जिससे कि डिहाइड्रेशन बढ़ जाएगा, बार बार वॉशरूम भागोगे और बार बार यूरिन आएगी, तो डिहाइड्रेशन करवाएगा बॉडी से, क्योंकि एडीएच को कम करवाता है। उसके अलावा बेटा थायरोक्सिन को भी कम करवा देगा, तो लो जी थायराइड बीएमआर वगैरह कुछ भी मेंटेन नहीं हो रहा है, कॉर्टिसोल को बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉर्टिसोल सबको पता है एड्रेनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, उसको मतलब ये सारे हार्मोन्स को भी इम्बैलेंस करने पे तुला हुआ है। तो बेटा खाली सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं, खाली एंडोक्राइन सिस्टम नहीं, इन महाराज ने कहीं भी नहीं छोड़ा। ठीक है, इन्होंने तो लिवर भी नहीं छोड़ा बेटा, लिवर ही तो इनका मेन टारगेट होता है। जो लोग बहुत लंबे समय तक अल्कोहल लेते हैं उनका लिवर हो जाता है बड़ा, है ना। तो वो कहता है कि भैया मैं ही फूल जाता हूँ, रुक जा, तू तो अल्कोहल बंद करेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पता है क्या होता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में, यहाँ पर हिपेटोसाइट का डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है, सेल के जो लिवर के जो सेल है उनका क्या हो गया,
डी जनरेशन हो गया बेटा शुरू, वो खत्म होने शुरू हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर किसका डी जनरेशन हुआ? डी जनरेशन ऑफ हिपेटोसाइट। लो जी, जब हिपेटोसाइट का डी जनरेशन होगा तो भाई कैसे काम चलेगा, बॉडी में फैट कैसे डाइजेस्ट होगा, है ना। तो बेटा नहीं करना चाहिए, अब इस पे रुकेगा नहीं, एल्कोहल इतने में नहीं थमा, इसको नहीं चैन पड़ता बेटा, जब तक ये एल्कोहलिक सिरोसिस भी ना करा दे। तो क्या करेगा, एल्कोहलिक सिरोसिस भी करवा दिया। सिरोसिस मतलब क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ लिवर फाइबर को डिपोजिट करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया इसने, हार्डनिंग ऑफ लिवर। लो जी, लिवर एकदम कतई सख्त हो गया अब तो, है ना, अब ये बिल्कुल कोई काम ही नहीं करेगा, है ना। तो जो लोग बहुत ज्यादा लंबे समय तक एल्कोहल लेते रहते हैं, उनमें क्या होता है, हिपेटोसाइट में जम जाते हैं फाइबर और हो जाता है क्या, हार्डनिंग ऑफ लिवर। तो लो जी, अब लिवर का हो गया कांड, है ना। उसके बाद ये करेगा कोलेस्टेसिस। के होता है कोलेस्टेसिस, कोले मतलब बाई जूस, हो गया स्टॉप। लो जी, हो गया कांड, है ना। तो लिवर का जो है बायजूस निकलना बंद, बायजूस जब निकलना बंद हुआ तो लो जी अब यहाँ पर फैट भी नहीं डाइजेस्ट होगा, ठीक है। तो लिवर को भी नहीं छोड़ा महाराज अल्कोहल ने, लिवर तो छोड़ो, चलो लिवर भी छोड़ो एक बार, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी नहीं छोड़ रहा है भाई। तो देख लो बच्चा, आज ही डिसाइड करना है कि ड्रग्स एल्कोहल कंज्यूम करना अच्छी बात है या नहीं है। ऑब्वियसली आई एम नॉट द वन टू टेल यू, अब तुम लोगों को खुद अपने लिए डिसाइड करना है, ठीक है। अब जीआईटी में क्या करेगा, सबसे पहले ईसोफेगस को पकड़ेगा, बेटा लाओ तुम्हें इन्फेक्शन कर देते हैं। तो हो गया ईसोफेजाइटिस, है ना। तो ईसोफेगस का इन्फ्लामेशन हो चुका है। दूसरा गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस मतलब होता है बच्चा कि पेट में कर दिया इसने इन्फ्लामेशन। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो ये किसका इन्फ्लेमेशन हुआ, ईसोफेगस का। गैस्ट्रिक मतलब पेट का इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन। बेटा छोड़ेगा किसी को नहीं ये अल्कोहल, बड़े मजे से पीते हैं ना जो लोग, उनका तो कांड होएगा बहुत जल्दी, है ना। तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, बेटा इतने में नहीं थमा ये, इसको इतने में चैन नहीं आया, इसने कर दिया कैंसर, है ना, पेट में कर दिया कैंसर, कर दिया पूरा अल्सर। तो लो बेटा अब अल्सर भी करो, और यहाँ पर कार्सिनोमा कैंसर वैंसर सब कर दो इसको, है ना। उसके बाद अगर डाइल्यूट एल्कोहल है बेटा, तो डाइल्यूट एल्कोहल के तो और बुरे नतीजे हैं, सुनना चाहोगे, आज तुम लोगों के कान से धुआं निकलने वाला है बेटा। तो ये करेगा इतना ज्यादा एचसीएल सिक्रीट कराएगा कि बेटा पेट में हो जाएगी एसिडिटी, है ना। तो फिर तुम्हें लगेगा अरे भैया ये तो भारी पड़ गया है, ये तो मतलब मजे तो भारी पड़ गए हैं, तो बेटा ऐसा ही होगा, तो सोच लो फिर, है ना। तो गैस एचसीएल को तो बहुत बड़ा देगा, और बेटा पेट में हो जाएगा बुमा बुम, ठीक है। तो बेटा ये हो गया खराब, है ना, खत्म, तो रिप हो गया बिल्कुल। तो यहाँ पर रेस्ट इन पीस हो जाओगे, तो इसलिए रेस्ट करना चाहिए, यही सब चीजों को छूना नहीं चाहिए, है ना। तो एक डायलॉग था ना कि चचा रेस्ट कर लो, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर इन चचाओं को भी ऐसा बोल दो कि बेटा ज्यादा एल्कोहल का यूज ना करो, वरना रेस्ट इन पीस होने वाले हो, ठीक है। उसके बाद बेटा ये डाइजेशन पर भी नहीं थमा, एल्कोहल ने कहा बेटा अब तो मैं रुकने वाला हूं नहीं, मैं तुमको अभी बताता हूं, बड़ा कंज्यूम कर रहे थे मेरे को, रुको। तो सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंच गए एल्कोहल जी। तो अब पता क्या करा, यहाँ पर अनीमिया, यस बच्चा अनीमिया, यस अनीमिया भी कॉज करता है, कैसे, आरबीसीज का साइज बढ़ा देगा, उसके नंबर को जो यहाँ पर जो है आरबीसीज के साइज को बढ़ा देता है लेकिन उनके नंबर को घटा देता है। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, जब साइज आरबीसीज का बढ़ गया, डब्ल्यूबीसी को लगेगा अरे भैया आरबीसीज का साइज जब बढ़ जाता है तो डब्ल्यूबीसी को लगेगा ये का है भैया, ओ मोरी मैया ये क्या आ गया, तो वो उसको खाना शुरू कर देगा आरबीसीज को, और जैसे ही आरबीसीज को खाएगा बेटा अनीमिया तो होना ही बनता ही है, ठीक है। उसके अलावा इनका नंबर कम हो जाता है, तो नंबर ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट सबको घटा देता है। तो बेटा ये थम नहीं रहा है, थमने का नाम नहीं लेगा ये, आज आज तुम लोग सुनकर जाओ आज ये क्या क्या करने वाला है, ठीक है। उसके अलावा बेटा बीपी ऐसा बढ़ाएगा कि हार्ट अटैक बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। इंक्रीज बीपी और इंक्रीज कार्डियक एक्टिविटी, हमारा हार्ट ऐसा भागेगा, ऐसा भागेगा कि मतलब एक टाइम तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्कोहलिक फैट जो है बच्चा डिपोजिट होने लग जाता है, यस एल्कोहल लेने की वजह से
ब्लड वेसल में फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चे, ब्लड फ्लो रुक सकता है। तो बच्चे यहाँ पर क्या है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, तो यहाँ पर ये क्या करता है, डिपोजिशन करवाता है फैट को, एल्कोहलिक फैट को, कहाँ पर, आर्टरीज में, है ना। और जैसे यहाँ पर ऑन द ब्लड वेसल, तो बच्चा ब्लड वेसल में जब हो गया, तो ब्लड वेसल में जब जम गई हमारा फैट, तो ये ब्लड वेसल था, जम गया फैट, तो अब ब्लड कहाँ से जाएगा, ब्लड को रास्ता नहीं मिलेगा जाने का, और ब्लड प्रेशर चेंज होगा ही होगा, ठीक है। उसके अलावा भी ये थमा नहीं, अभी भी नहीं थमा एल्कोहल, देख रहे हो बच्चा, थमने का नाम नहीं है इसका। अब देखो यहाँ पर क्या है, हाँ तो यहाँ पर देख रहे हो डैमेज कर देंगे, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर देखो अरे किसी पीने वाले को समझाने गए तो हमें पीट पीट के हमारे लिवर डैमेज कर देंगे। अरे देखो बच्चा यहाँ पर ये कोई समझने समझाने वाली बात है, तुम लोग क्या समझाओगे, मतलब अभी मैंने इतनी इसके साइड इफेक्ट बता दिए हैं, तो उसके बाद तो मतलब बेवकूफ होगा जो डेली कंज्यूम करता होगा इसको, है ना। उसके बाद उसको बेटा फिर वो सच में उसको अपनी जिंदगी से भी प्यार नहीं है। इंटरफेयर्स विद कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, बच्चा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ भी इसने छेड़छाड़ कर दी, और क्या होगा पता है, तो ये सिर्फ मसल में नहीं बोन्स को भी अफेक्ट करेगा बेटा, ऑस्टियोपोरोसिस कर सकता है, कैल्शियम को निकालेगा, तो यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम को तो बेटा कर देगा डैमेज। तो ये सिर्फ मसल तक नहीं रुका, ये मसल के अलावा और कहाँ चला गया, स्केलेटल सिस्टम में भी बोन्स को कर दिया वीक, है ना। तो यहाँ पर ये क्या करेगा बच्चा, ऑल्टर करेगा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो जैसे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इसने चेंज करा, ऑब्वियस सी बात है कैल्शियम बोन से निकल गया, और उसके बाद यहाँ पर इंक्रीज करेगा रिस्क ऑफ फ्रैक्चर एंड ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। तो फ्रैक्चर होने के चांसेस, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स में कैल्शियम निकलने से पोर बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं, लो जी यहाँ पर जो है वो भी चला गया, है ना। तो यहाँ पर जो है, हाँ प्रतीक बोल रहा है खुद ही समझ जाओ तो बहुत है, किसी को समझाना नहीं बच्चा, कोई तुम लोगों की बड़ी बड़ी बातें अगर करोगे ना तो कोई नहीं सुनता है, ठीक है। वो आप अपने एग्जाम्पल से लोगों को सेट कर सकते हो, तो मतलब आप अच्छे बनो, वहां पर क्या पता है बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी होती कि बेटा ऐसा करो, बेटा वैसा करो, बेटा ऐसा करो वैसा करो, सब कहते हैं हमें चुप कर, ठीक है। तो बच्चा पीपल टेक योर एग्जाम्पल नॉट योर रिहायत, जो भी क्या बोलते हैं नसीहतें नहीं लेते हैं लोग, है ना। तो स्केलेटल सिस्टम, इसलिए जो चेंज आप चाहते हो कि भाई हाँ ये होना चाहिए, तो आप पहले खुद में करो, दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं है, दूसरा आपको देखकर कहीं ना कहीं इंस्पायर होगा अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो छेद कर देगा बोन में कैल्शियम को हटाकर, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा यहाँ पर नेक्स्ट बच्चा फीटस को भी नहीं छोड़ा, तो जो मदर प्रेग्नेंट मदर ने अगर एल्कोहल घटक लिया ना बेटा, तो उसका फीटस होने वाला है खतरनाक खराब, है ना। तो फीटस बेटा हो जाएगा खराब। तो यहाँ पर अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इसने एल्कोहल ले लिया, तो बेटा क्या होगा यहाँ पर, फीटल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यहाँ पर ये क्या कॉज करेगा एल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर लिया जाता है, तो ये करेगा फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। क्या करेगा बच्चा, फीटल एल्कोहल सिंड्रोम करेगा, FAS करेगा, ठीक है। तो FAS क्या होता है पता है, ये बहुत खतरनाक होता है, सुनना चाहोगे कितना खतरनाक होता है। तो बच्चा यहाँ पर पहले तो ये फेशियल पूरा चेंज कर देता है, फेशियल में इतना चेंज, मतलब पता है क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट हो गया, या जैसे यहाँ पर कोई फेस का प्रॉपर बना नहीं, ठीक है, बहुत ही अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा सा बन गया, है ना। पुअरली फॉर्म्ड पिना, तो बच्चा बहुत मैल फॉर्मेशन हो जाती है, माल नहीं मैल फॉर्मेशन, है ना, कहीं माल बोल रहे हो, तो पुअरली फॉर्म्ड पिना, तो बच्चा पिन्ना की कैविटी भी सही से नहीं बनती है, समझ में आया। उसके अलावा छोटे छोटे दांत, स्मॉल टीथ निकल के आते हैं, विद फॉल्टी इनामल, मतलब इनामल उनका सही से नहीं बनता है, विद फॉल्टी इनामल, और हार्ट डिफेक्ट भी होता है। तो बच्चा इसका तो भविष्य देख लो खराब ही है ना, हार्ट, तो मतलब देख रहे हो इस मदर ने जो है अपने दारू के चक्कर में इसकी जिंदगी कर दी बराबर, है ना। तो हार्ट को भी जो है सही से डेवलप नहीं होने देगा, तो हार्ट डिफेक्ट्स आने लग जाएंगे, तो डिफेक्टेड डिफेक्टेड ही निकल रहा है ये बच्चा, है ना।
हाँ, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। बेटा जो ऐसा बोलते हैं ना, वो कतई गए गुजरे हैं। ठीक है, मैं मैथ्स का होके भी आपकी स्ट्रीम लाइन करता हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, इसलिए। हाँ, थैंक्स अ लॉट बच्चा मनीष। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है? तो मतलब ऐसा भी नहीं कि मैथ्स बायो नहीं है और फिर तुम लोग मैथ्स में आ रहे। देखो, लेकिन आज का टॉपिक देखो कॉमन है सबके लिए, तो इसको तो जनहित में जारी कर देना चाहिए। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पर, तो आज मैंने तुम लोगों को बता दिया है इसके साइड इफेक्ट्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो अब ये तुम लोगों का डिसीजन है क्या करना है। और मुझे पता है कि बच्चे बहुत समझदार हैं हमारे, तो उनको पता है कि क्या करना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा, सब चीजें पता होनी चाहिए कि किसके क्या इफेक्ट हैं, क्या चीजें होती हैं इसमें, है ना। हाँ, यस। तो बच्चे यहाँ पर एल्कोहल बनता कैसे है? अरे तरुण, अल्कोहल कैसे बनता है सबको पता है, फर्मेंटेशन से, है ना। तो जो भी ये शुगर कंटेनिंग थिंग्स होते हैं, जैसे राइस हो गया, फ्रूट्स हो गए, है ना, बेरीज हो गई, ऑब्वियसली फ्रूट्स वगैरह, शुगर केन हो गया, उनको यीस्ट में फर्मेंट करके ऑब्वियसली वो अल्कोहल बनाया जाता है ना। तो वो अल्कोहल बनाने की प्रोसीजर भी तो है, सब मिलाकर बॉडी खत्म। एग्जैक्टली, तो कंक्लूजन आज का ये निकला बेटा, बर्बाद, है ना। तो ये जो है उम्र कैद की सजा और बर्बादी, तो यही है कि एक सॉन्ग है ना कि अरे यार मुझे याद नहीं आ रहा, बर्बादी के ऊपर सॉन्ग है। तो मतलब बस ऐसे ही फिर हो जाएगा खराब सारा, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, ये एनसीईआरटी का पेज है, 162 पेज नंबर है बच्चे। ये मैंने पता है क्यों लिया है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी एक चीज लिखी हुई है जिसके ऊपर खूब क्वेश्चंस पूछते हैं, पता है कौन सा? इसके ऊपर एनाबॉलिक स्टीरॉयड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मिसयूज बता रखा है, मिसयूज ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक, एनाबॉलिक स्टीरॉयड, यहाँ पर डायूरेटिक्स। डायूरेटिक मतलब जो बहुत ज्यादा यूरिन करवाते हैं। ठीक है, कुछ हॉर्मोन को स्पोर्ट्स पर्सन इंक्रीज करते हैं अपनी मसल के, यूज करते हैं कुछ हार्मोन स्पोर्ट पर्सन में, ये बढ़ा देते हैं जिनसे उनकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस उनमें बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर इंक्रीज एथलेटिक परफॉर्मेंस भी बढ़ा देते हैं। तो बता बच्चा ये क्या करते हैं पता है, ये एथलेटिक्स जितने भी होते हैं, एथलीट्स जितने भी होते हैं, तो पता है क्या होता है इनमें, ये इसको मिसयूज करने लग जाते हैं इनके, और जब बहुत ज्यादा इनको अब्यूज करने लग जाएंगे, बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे, तो बेटा इनकी बॉडी में आतंक मचने वाला है। पता है कैसे? फीमेल्स अगर बहुत ज्यादा एनाबॉलिक स्टीरॉयड ले रही है बच्चा, ये ड्रग होता है, ठीक है, एनाबॉलिक स्टीरॉयड अगर ले रही है, स्टीरॉयड मतलब वो ऑब्वियसली हॉर्मोन्स होते हैं, है ना, तो उसमें जो है वो मेल वाले कैरेक्टर आ जाएंगे, मैस्कुलिनाइजेशन हो जाएगा। मैस्कुलिनाइजेशन मतलब मेल वाले कैरेक्टर आ जाएंगे, पूरे फीचर्स आ जाएंगे मेल वाले, है ना। तो जैसे वो बहुत गुस्सैल हो जाएगी, है ना, एकदम बात बात पे, आजा बेटा तेरे को बताती मैं, है ना, बाहर मिल जरा तू, आज तेरा मुंह तोड़ती हूँ, है ना, ऐसे। उसके बाद मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, तो मूड स्विंग्स तो सबको पता है, कभी खुश और कभी कतई डिप्रेशन में चले गए, है ना। डिप्रेशन होने लग जाता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, और भाई फेस पर, बॉडी पर बहुत सारे बाल आने लग जाते हैं, तो एकदम मर्दों वाले कैरेक्टर्स आ गए, है ना, एग्रेसिव नेस बढ़ गया है ना। उसके बाद क्लिटोरिस एनलार्जमेंट हो जाता है, उसकी आवाज एकदम लड़कों वाली भारी हो जाती है, कि एकदम समझ नहीं आ रहा बेटा क्या बोल गए, है ना। तो यहाँ पर बहुत डीप वॉइस हो जाती है। तो ये तो थे बेटा फीमेल के क्वेश्चन पूछा हुआ इसमें से, तो मैं लिख देती हूँ फीमेल में क्या होता है एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लेने से। अब मेल में क्या होगा देख लो जरा बेटा, मेल की तो बहुत हालत खराब होने वाली है, उसके मुंह पर हो जाएंगे खूब सारे एक्ने, है ना, एक्ने पता है ना सबको, पिंपल्स पिंपल्स आ जाते हैं, एग्रेसिवनेस, गुस्सेल हो जाएगा, मूड स्विंग्स होने लग जाएंगे, कतई डिप्रेशन में चला गया, कतई खुश हो रहा है, अलग ही स्विंग हो रहे हैं उसको, है ना। रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ टेस्टीज, टेस्टीज का साइज रिड्यूस हो जाएगा, स्पर्म प्रोडक्शन भी कम हो जाएंगे, किडनी की डिसफंक्शनिंग, लिवर की डिसफंक्शनिंग हो जाएगी, लोजी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी हो गई, प्रीमेच्योर बाल्डनेस, पहले ही गंजापन आ गया, है ना। तो बाल्डनेस मतलब क्या होती है, बाल्डनेस होती है गंजापन, है ना, तो पूरा बाल जो है वो समझ रहे हो ना, वो क्या एक तुम लोग बोलते भी तो, वो चांद दिखने लग जाता है ना, टकला दिखने लग जाता है, तो बस ऐसे ही होता है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर जो है प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उनकी एनलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है। तो देख रहे हो बेटा, छोड़ेगा तो किसी को नहीं ये ड्रग, है ना। तो दीज इफेक्ट मे बी परमानेंट विद प्रोलॉन्ग्ड यूज, अगर ज्यादा दिन तक यूज करते हो, लंबे समय तक यूज करते हो, तो बेटा परमानेंट डैमेज तो होना बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है किटकैट ब्रेक
केक जैसा होता है ना, वैसे ये भी तुम लोगों को अच्छे से अंदर से खा जाता है, ठीक है? तो बाहर से तुम लोगों को मजे आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बॉडी की जो हालत हो जाती है उसके बाद। तो किसी ने वो संजू मूवी देखी है? इन द एडोलेसेंट मेल एंड द फीमेल सीवियर फेशियल एंड द बॉडी एक्ने प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर ऑफ द लॉन्ग बोन मे बी रिजल्टेड इन स्टंटेड ग्रोथ। तो अगर जो मेल फीमेल एडोलेसेंट के टाइम पर अगर बहुत ज्यादा एल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो बेटा उनके बहुत ज्यादा एक्ने होने लग जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है, तो बौने हो जाएंगे, है ना? तो पता चले ग्रोथ भी रुक गई सब, है ना? तो यहाँ पर मनीष कह रहा है रोज अगर जो दारू पिएगा वो उसके लिए पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ऑब्वियसली मर जाएंगे, ऑब्वियस ही बात है ना? मौज कर दी। तो वो देखिए किसी ने वो संजू मूवी जो है, ठीक है, तो देखा है वो इंसान कितना सारा ड्रग्स कंज्यूम करता है और कैसी हालत हो जाती है उसकी। तो बेटा बच्चा वैसे ही समझ लो कि ऐसी गंदी हालतें हो जाती हैं लोगों की, है ना? तो बेटा अब तुम लोगों को डिसाइड करना है कि क्या करना है आगे। ऑब्वियसली आई एम नो वन टू सजेस्ट एनीथिंग बिकॉज योर लाइफ योर रूल्स, सो आई फॉलो दैट, राइट? तो बच्चा हमेशा जो है सोच समझकर हर चीज के साइड इफेक्ट और ऑब्वियसली उसके बारे में उसके फैक्ट्स जानकर चीजों को कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई एक्टर कर रहा है, क्योंकि आजकल वो एक्टर्स को पकड़ रहे हैं ना, नार्कोटिक टेस्ट में सबका पॉजिटिव आ रहा है ना? तो बेटा ऐसा नहीं है कि ट्रेंड में है। अगर एक्टर तो कुछ भी करेंगे, है ना, तो कल के दिन तो वो सड़के चाटने लग जाएंगे, तो बेटा क्या वो ट्रेंड में होगा? नहीं, यूज योर ब्रेन, और क्या किसको फॉलो करना है वाइजली उसको करना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वो लोग सिगरेट फूंक रहे हैं तो इट्स वेरी कूल, बेटा इट्स कूल, राइट? तो ये चीज याद रखना है। मैं तो गाना गा रहा था, कौन सा गाना गा रहा था? मैं तो भेलपुड़ी खा रहा था मैम। साइड इफेक्ट्स फॉर सैनिटाइजर्स, हाँ बेटा सैनिटाइजर्स, लेकिन इतना भी नहीं है कि पता चले खाली निकाल दो, है ना मैम आपका? हाँ बच्चा वही, आज ना थोड़ा सा इसलिए मैं लेट हो गई थी, मैं इसको देख रही थी चल क्या रहा है इसके साथ, तो अभी उसको मैं करती हूँ ठीक। वो एक्चुअली कुछ गड़बड़ चल रही थी कैमरे में, तो इसलिए थोड़ा सा लेट भी हुई मैं आज, है ना? हाँ ठीक है। तो मैम थैंक यू फॉर गिविंग दिस नॉलेज एंड शेयर दिस मोर एंड द मोर, एंड बच्चा शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो उनको बोलो बेटा तुम्हारे लिए कोई निहायते नहीं है, लेकिन इसको देखने के बाद खुद अपने लिए डिसाइड करो इफ इट्स गुड और नॉट, है ना? तो बच्चे चलो सड़के, हाँ तो यहाँ पर जो है ऐसे तो चार बोतल वोडका वाला गाना गा रहा था, चार बोतल वोडका काम मेरा रोज का, क्या है ना, किसी ने रोका ना किसी में दम है ना किसी ने रोका यही है बेटा मौका, सुधर जाओ और संभल जाओ, ठीक है? तो मतलब ये जो हनी सिंह ठीक है, सुन लो मजे के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है, बिल्कुल ऐसे फॉलो करना नहीं है, ठीक है? आज सॉन्ग सुनने को बोला था सुनाने, अरे 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 अरे, थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स एंड सपोर्ट, थैंक्स अ लॉट बच्चा। मैम ये देखो जरा, ये आते हैं एक एक बच्चे रोज, जो मुझसे रोज एक सवाल पूछते हैं, बेटा प्रॉब्लम क्या है मेरे से, है मेरी शादी करवाने पे लगे क्यों हुए ये बताओ पहले, मतलब एक एक का रोज सवाल होता है ये। मैम हम आ रहे हैं आपके पास, बिल्कुल बच्चा, अच्छा ठीक है। मैंने देखो देखो क्लास के बीच में हमारे इतने सॉन्ग हो जाते हैं, तो अब तुम्हें लास्ट में भी सुनना होता है कोई सॉन्ग, बताओ जरा। लव यू फ्रॉम दिल्ली बच्चा, कहते लव यू फ्रॉम उड़ीसा। तो यहाँ पर मैम पर सैनिटाइजर क्यों नहीं पीता? अरे छी यार, कैसे कैसे कुछ भी पी लोगे क्या, क्या चल रहा है यहाँ पर? नोटेड मैम। हेलो बच्चा दिव्यांशु, आमिर लव यू लॉर्ड बच्चा, लव यू ऑल। निशांत मैम आप कहाँ हो, आप कहाँ हो मतलब बच्चा, हिंदी मीडियम मतलब बच्चा जीतराम मैम, और सौंदर्य भी आ गई है बेटा, कहाँ है तू आजकल? दिव्या मैम थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट एंड सपोर्ट, थैंक्स अ लॉट बच्चा फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर लव ऑल्सो, राइट? तो बस ऐसे ही आते रहो, मुस्कुराते रहो, और चाहे दिल्ली रहो या इलाहाबाद रहो, ठीक है? तो यस मैम आपने बोला था, क्या बोला था बच्चे? सिरप में अल्कोहल होता है, हाँ कोल्ड सिरप में, अरे बच्चे लोग बच्चे ना उसको भी पी जाते हैं पूरा पूरा। मैम आज सॉन्ग सुनाने को, अरे 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 भाई मैम लव फ्रॉम उक्रेन, आओ देख रहे हो बच्चा, इंटरनेशनल फॉर इंटरनेशनल बच्चे भी आए हैं आज हमारे पास। मैम मैं इस एक ज्ञान की बात रहा हूँ, आप देख नहीं रहे हो, मैम मैं ज्ञान बांट रहा हूँ मनीष अबे ज्ञान न फैल जा रहा है यहाँ पे तो बांटो बांटो ज्ञान, बांटो सारे सारे ज्ञान फैलो आज, ठीक है? तो उसके बाद आई लव इट एज, थैंक्स अ लॉट बच्चा आदिल। कैन अल्कोहल कॉज गायनेकोमेस्टिया? ऑब्वियसली दुर्गेश अभी तो पीछे बताया था, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इज गायनेकोमेस्टिया, तो अभी तो बताया मेरे प्यारे बच्चे, है ना? लव यू ऑल बच्चा, लव फ्रॉम योर नेबर मैम, अरे
पड़ोस में रहता है क्या मेरे? अरे भाई मैं आ रही हूँ मिलने, जल्दी आ, मैं ज्ञान बांट रहा हूँ। हाँ बिल्कुल मनीष, तू ज्ञान बांट बेटा, मैं दिल्ली आ रहा हूँ। बिल्कुल शेर सिंह, आ जा दिल्ली आ जा, ठीक है? तो यहाँ पर करें बेटा, अभी मत आ दिल्ली में, तेरे को पता नहीं एपिक सेंटर हो रहा है, कतई कोरोना बढ़ रहे हैं। बेटा अपने घरों में रहो अभी, अभी कहीं कहीं कोई कहीं कहीं नहीं जाएगा, एकदम स्टैचू हो जाओ घर पे, है ना? तो यहाँ पर मैम आपका सेटअप कहाँ पर है? बेटा अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है? मैम अगर आप टीचर नहीं बनते तो क्या बनते? अगर मैं टीचर नहीं बनती तो क्या बनती? मेरे को टीचर ही बनना था, ठीक है? तो बच्चे यहाँ पर ऑब्वियसली मैं क्या बनती? तो मेरा वैसे जो था, मेरे को ना फाइटर प्लेन चलाना था, मतलब जैसे बचपन के सपने होते हैं ना लोगों के, एकदम कुछ एकदम तूफानी करने का। तो मेरे को फाइटर प्लेन चलाना था, क्योंकि उस टाइम पर देयर वॉज अ मूवी, कोई मूवी मैंने देखी थी, तो बड़ा इन्फ्लुएंस थी उससे। तो मेरे को मन करता था भाई अपने को भी यही काम करना है, बट ठीक है, फिर बड़े हो जाते हो तो हालात बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, बहुत सारी चीजें बदलती हैं, और आप भी बदलते हो, है ना? तो बट आई एम सो मच हैप्पी विद माय प्रोफेशन, सो आई रियली लव इट, एंड ऑब्वियसली बात है अब ये मेरा सपना है, सबके सपने सच मैं करूं, तो यही है बस। युगांडा, ओ माय साहब, ये क्या है, क्या चल रहा है ये? मैम आपसे मिलने को ड्रीम है मेरा, बिल्कुल बच्चा, मैं बिल्कुल आपके जैसे टीचर सारे स्टूडेंट डिजर्व करते हैं। थैंक्स अ लॉट बच्चा, मींस अ लॉट, एंड थैंक्स अ लॉट, रियली अ ह्यूज ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल ऑफ यू। लव फ्रॉम अर्थ बच्चा, लव फ्रॉम इंडिया, तुम अर्थ में ही हो बेटा, हम तो मार्स में हैं अभी। क्या क्या है? पप्पू जलेबी बेच रहा था लेकिन कह रहा था आलू ले लो, आलू ले लो राहगीर, लेकिन ये तो जलेबी है। पप्पू चुप हो जा वरना मक्खियां खा आ जाएंगी। ये देखो जरा शेर सिंह अलग ही लेवल पर चल रहा है। मैम बायो मेरा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन आप मेरे फेवरेट हो, थैंक्स अ लॉट बच्चा। वी दुर्गेश, कैन इट इंक्रीज ईस्ट्रोजन? यस बच्चा, बॉडी में ईस्ट्रोजन बढ़ा सकता है, मेल के और मेल में आ जाएंगे फीमेल वाले कैरेक्टर, बिल्कुल हो सकता है ईस्ट्रोजन और बच्चा देखो मेल के बॉडी में ना ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टिरोन का बैलेंस होता है, लेकिन अगर वो बैलेंस बिगड़ गया ना तो बेटा ऐसी गायनेकोमेस्टिया और ये सब होने लग जाएगा, ठीक है? मैम शिनचैन वाला गाना गा दो प्लीज। बिल्कुल बच्चा, जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा, यही है राजा बेटा, हरदम करता ये दंगा, कर देगा उल्टी फुल्टी दुनिया सारी, करे ऐसी हरकतें, फिर करे ऐसी हरकतें। मैं भूल गई। क्या मैम मैथ्स मैथ्स के क्या मैथ्स का होने के बाद आप मेरे को बहुत अच्छे टीचर लगे? थैंक्स अ लॉट बच्चा। मनीष, तरुण, आप मैम को कभी खुश मत बोल, नहीं तो मैम क्या है टोक देंगी, क्या बोल रहे हो? मैम सौंदर्य साहब निर्वा, सौंदर्य तुम खिली खिली, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवा, सौंदर्य साबुन निर्मा, सुना है तुम लोगों ने? वो पता है एक दिन मैं वो एड देख रही थी यूट्यूब पर, तो मतलब वो गाना सच बता रही हूँ 15 मिनट का है वो गाना, भाई साहब मैंने कहा ये एड है ये कि पूरा गाना बना रखा है, देखना जरा तुम लोगों, सौंदर्य साबुन निर्मा और एक वो चार बूंदों वाला आहा। और एक और एड था बड़ा फेमस सा, कौन सा वाला, जया और सुषमा सबकी पसंद निर्मा, तो मतलब अलग ही लेवल पे चलते थे पहले हमारे। लव फ्रॉम वेस्ट बच्चा, लव फ्रॉम दिल्ली, तुम सबसे हसी, तुम सबसे जवा, यस मैं गुस्सा हो गया, नहीं बोलूंगा आपसे, मेरी बात नहीं सुन रहे हो आप। अच्छा नीतीश, चलो बोल दो बेटा, धूप सी सफेदी निर्वा से आए, मिर्जापुर, भाई साहब जीत रहा हूँ मिर्जापुर से बेटा, मिर्जापुर मूवी देखी है मैंने, खतरनाक है वो, तो क्या बोलते हैं वो मिर्जापुर के एक दो डायलॉग बता दो बच्चा, तो वो तो बहुत ही खतरनाक है बेटा, पढ़ो लिखो आईएएस वाईएएस बनो। आई लव यू ऑल बच्चा, भूल गए मैम सही पूछ कोई बताता हूँ, बोल बोल बच्चा, टेक्निकल पॉइंट क्या हो गया आप क्या अपना नंबर? अच्छा देखो जरा, लव फ्रॉम प्लूटो, हाँ लव फ्रॉम अर्थ, अब हम अर्थ पे आ गए वापस। गुड मॉर्निंग डियर मैम, गुड मॉर्निंग बच्चा। मोनालिसा देख रहे हो, मोनालिसा भी आई है, मोनालिसा पेंटिंग भी आई है हमारे पास। वॉशिंग पाउडर निर्मा, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निर्मा, तुम लोगों की पसंद क्या है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वो एक एड भी आता था। मूवी नहीं है मैम वो, कौन सी मूवी? अच्छा मूवी, हाँ जो भी है सीरीज, मैं आ रहा हूँ दिल्ली गिफ्ट देना, बिल्कुल बच्चा आ जा तू, लेकिन अभी नहीं, अभी मैंने कहा ना बड़े खतरनाक चल रहे हैं यहाँ पे मैम। वाह अच्छा जी, देखो जरा, ओ चचा, अच्छा अभी चचा वाला डायलॉग है ना, ओ चचा, समझ गई मैं, तुम
मतलब इन सीरीज ने ना एकदम अलग ही धमाल मचाया हुआ है। मेरे को तो इनके डायलॉग्स बड़े पसंद होते हैं, इसलिए मैं तो सारे लेक्चर में डाल देती हूँ इनके डायलॉग्स, है ना। तो बड़ा ही मजा आ रहा होता है पढ़ने में, पूरी सीरीज वाली फीलिंग आनी चाहिए, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, तो लव यू ऑल बच्चा, सयोनारा बिल्कुल बच्चा। ठीक है, मैम से ज्यादा एनर्जेटिक कोई नहीं है। तो बच्चा ये सुबह सुबह देखो इतनी एनर्जेटिक होंगी ना, तभी तो तुम लोगों के अंदर भी खूब सारी एनर्जी, एकदम तुम लोग भी एकदम हाइपर हो जाओगे, तभी तो पूरा दिन इतने एनर्जी के साथ पढ़ोगे, लिखोगे, आईएएस वाईएएस बनोगे। मैम आप कौन सा नमक खाते हो? बहुत मस्त मस्त है आपका, वीडियो देख के मजा आ गया, लव यू, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना। बच्चा तोशांक, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, जीते रहो जीते रहो। प्लीज प्लीज से माई नेम, बिल्कुल निहारिका, तुम्हारा नाम भी बोल दिया। चलो बेटा थोड़ा स्कीम बता देती हूँ मैं तुम लोगों को, देखो बेटा एक है क्रैश कोर्स वाली स्कीम, जो कि वैसे 10,000 का कोर्स है, लेकिन यूजिंग RMCC कूपन कोड यू कैन अवेल इट इन 7,000 रुपीज। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जैसे ही उसको क्लिक करोगे पहुंच जाओगे और रजिस्टर कर सकते हो आप क्रैश कोर्स के लिए। ठीक है, तो भाई इसका फायदा क्या है? इंडिया के बेस्ट टीचर 120 सेशन में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एग्जाम में आने की, उन पर पूरा अच्छे से फोकस किया जाएगा। डाउट एक्सपर्ट डाउट ऐप पर बेटा सुबह से लेकर शाम तक इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं, जिससे अगली क्लास में जाने से पहले अपने डाउट क्लियर करना समझ आएगा, तभी तो मजा आएगा, और जब मजा आएगा तभी तो समझ आएगा। तो मतलब हैशटैग वेदांतु की लाइन है ये हमारी, है ना। उसके बाद 10 फुल 10 पार्ट टेस्ट है बच्चा, जो आपको एग्जाम रेडी बनाएगा। तो मतलब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा, पता चलेगा कि कौन से टॉपिक पर बहुत काम करना है, जिससे कि एकदम 3 महीने लग जाओ और फोड़ दो एग्जाम, है ना। उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए बच्चा, दैट यू वुड सी इन द वेदांतु प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, है ना। तो यहाँ पर 22 मार्च 5 अप्रैल को बैच स्टार्ट हुए हैं, 12 को एक हो रहा है, 7 जून को, 17 जुलाई, 24 जुलाई। आई वुड सजेस्ट यू टू ज्वाइन अर्ली बैच। देखो बच्चा अभी इसको भी 2 दिन ही हुए हैं, तो जिसको ज्वाइन करना है कर भी सकता है इसको, नहीं तो 12 अप्रैल वाला कर सकता है। RMCC कूपन कोड से 30% डिस्काउंट के साथ यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जैसे प्रेस करोगे एक पूरा लिंक खुलेगा गूगल का, उसमें जाकर बच्चे जल्दी से एनरोल कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर, यहाँ पर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर आप कनेक्ट हो जाओ, जिससे ये पीडीएफ बच्चा हो जाओ, क्योंकि नोट्स पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है। और बेटा आज मैंने जितना पढ़ाया, जिसने अच्छे से सुना होगा, नोट किया होगा, उसको आप कोई ड्रग्स में, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टिमुलेंट्स क्या होता है, ये क्या होता है, इसलिए मैंने बहुत ही ज्यादा एक सिक्वेंशली तुम लोगों को ये नोट्स बनाकर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चा एल्कोहल के जितना NCERT के टॉपिक है सब मैंने उसमें डाल रखे हैं, इवन जितने एग्जाम में पूछे हुए टॉपिक है सब मैंने उसमें कवर किए हुए। तो तुम लोग आज जाकर सॉल्व करोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब एकदम अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बेटा, जाओ और टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हो जाओ, जिससे पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो, मतलब अपने दोस्तों को भी कहो और इन लायक को पढ़ो लिखो, आईएएस वाईएएस बनो। ठीक है मैम, हिंदी मीडियम की क्लास कब है बच्चा? हिंदी मीडियम तो, अरे हिंदी में तो बोलते हैं हम, है मैम। तुझे फेवरेट कौन है? अरे भाई अर्नव क्या बोल रहे, तू सब्सक्राइब करो बच्चा, जो हमारे प्यारे प्यारे नए बच्चे, देखो आज एक चीज तो बनती है, सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल को, हक से बी द पार्ट ऑफ द वेदांत, है ना। तो बस मैडम का हाथ थाम लो सारे बच्चे, और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, उनको दिखाओ बेटा, पढ़ो लिखो, आईएएस वाईएएस बनो, सब मोम आया है। ठीक है, एंड लाइक द वीडियो, ये तो बनता है। ठीक है, और कॉमेंट बॉक्स में लिखना जो भी टॉपिक्स आप चाहते हैं मैं उनको कराऊं, और इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स ऑल्सो, राइट। प्लीज मैम टेक माई नेम, बच्चा रॉय गेमिंग ले लिया तरह नाम है ना। यस मैम, मैम पंकज आज अच्छा सा CID एपिसोड बनाना। ओके क्या पंकज आज अच्छा सा, ये पंकज के CID है क्या? क्या क्या मुझे भी बताओ भाई क्या चल रहा है। मैम फेवरेट एक्टर कौन है? मैम फेवरेट एक्टर, बच्चे यहाँ पर जो है मुझे तो ऐसे मेरे मौसम की तरह मतलब फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस बदलते रहते हैं, जैसे कभी कोई, आजकल मेरे को इसकी मूवीज अच्छी लग रही थी, क्या नाम है अरे यार कौन है ये, मैं नाम ही भूल गई उसका, बताओ जरा। तो यहाँ पर ऐसे कोई कोई नया आता है तो मुझे अच्छे लगते रहते हैं सारे। आजकल तो मैं सीरीज में जितने भी एक्टर है ना उनकी फैन हो रही हूँ, जैसे ये पंकज त्रिपाठी, भाई साहब देख रहे हो एकदम अलग लेवल का एक्टर है वो, और वो कौन सा है और भी, वो मुन्ना भाई तो मेरे को बहुत ही पसंद है ना। तो अलग ही लेवल पर काम करते हैं ये लोग, है ना। मैम क्या है, मैं बताना भूल गया कि आकांक्षा नी टॉपर मेरी सिस्टर है। ओके नितीश गोचा, That's great. पंकज आज अच्छे सा CID एपिसोड, अरे क्या कौन पंकज, इसका पंकज बेटा कौन सा CID एपिसोड बना रहे। मैम तो अच्छा फेवरेट कौन आहे,
बेटा अर्नव आहे, अर्नव आहे। मैम आपकी तो एनर्जी फुल ऑन है। हाँ बिल्कुल ऐश्वर्या, और आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी सो मच एनर्जेटिक। आप ठीक है तो बच्चे, सी यू टीचर। थैंक्स बच्चा अलियाना। सो देख चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सुंदा मैम। व्हाट आर द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन बायोलॉजी एंड गेट स्कोर इजिली इन द नीट मैम। बच्चा सुंदा, मैंने ये नोट कर लिया। आई वुड मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस। ठीक है तो अभी हम देखो बहुत सारे चैप्टर हैं, अभी इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम बढ़ जाएगा, तो वी वुड जस्ट मेक अनदर वीडियो, डोंट वरी। ठीक है मैम, आप टीचर नहीं होते तो हीरोइन होती। हाँ देखो जरा हीरोइन होती। अच्छा एनसीईआरटी ही पढ़ाने या कुछ और एक्स्ट्रा, लाइक एक्स्ट्रा आइडिया। मैम बायो के लिए एनसीईआरटी ही पढ़े। बच्चा निहारिका, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है कि 30 दिन में या 2 मंथ की स्ट्रैटेजी में, तो उसमें मैंने कहा था कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो। आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स को अच्छे से पढ़ लो। प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन पेपर से जितनी भी चीजें हैं उसमें, उसको नोट्स में डाल दो। ठीक है तो मतलब यहाँ पर, और टेस्ट देते हो तो बेटा उससे पता चलेगा कौन कौन सी नई टॉपिक्स हैं तुम लोगों को ऐड करने हैं, पढ़ने हैं। इतना कर लोगे दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। सच बता रही हूँ, मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है तो ये चीज करो फॉलो अप। ठीक है और अगर कोई देखना है रेफरेंस बुक वगैरह तो कोई अच्छी सी रेफरेंस बुक लो, वो भी सिर्फ उन टॉपिक्स को करने के लिए जो तुम लोगों को कंफ्यूजन है जिनमें। ठीक है तो कोई अच्छा ऑथर ही लेना। ठीक है तो ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें तुम लोगों को कंफ्यूज करने वाली है। मैम यू आर सो मच एनर्जेटिक, थैंक्स अ लॉट बच्चा। और बाकी कोई भी डाउट होगा बच्चा, हम लोगों ने टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पर अवेलेबल हूं मैं। ठीक है तो आपको कोई भी डाउट कभी लगे कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है या मैं परेशान हो रहा हूं या फिर पूछना चाहिए मैम से, तो यू कैन रीच मी आउट, है ना। बच्चे मेरे को टेलीग्राम से डाउट्स भेज रहे हैं, बच्चे मेरे को ये क्या बोलते हैं इसको, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी डाउट्स भेजते हैं, तो जहां मन है वहां पर। मैंने टेलीग्राम पर ग्रुप भी बनवाया है, यहाँ पर बच्चों ने बनाया खुद। ठीक है आर एम मैम के रॉक स्टार्स करके वो शायद उन्होंने नाम बोला है, तो इनको बता देना, ऐड कर देंगे तुम लोगों को। तो ये बच्चे वहां पर खुद ही रिस्पॉन्स कर लेते हैं, और अगर जो आंसर नहीं करेंगे आई एम ऑलवेज दियर। ठीक है तो मतलब परेशान किसी भी तरीके से नहीं होना, कभी कोई डाउट हो यू आर फील फ्री टू रीच मी आउट। ठीक है सो थैंक्स अ लॉट बच्चा, लव यू ऑल टू लिसन टू मी केयरफुली। सो लेट्स एंड द सेशन, मिलते हैं 1:15 पर दोबारा। और शाम को बता, अच्छा मैंने कौन सा टॉपिक लिया है, स्किड का टॉपिक लिया है, और इसके ऊपर कौन सी मूवीज बनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है और स्किड बच्चा यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट डिजीज है, और यहाँ पर हमारा बोर्ड का नीट का भी तैयारी हो जाएगा, और ऑब्वियसली बात है हम थोड़ा बहुत देख भी लेंगे इससे रिलेटेड चीजों को, है ना। तो चलो बच्चा मिलते हैं, टेक माई नेम बिल्कुल बच्चा रस्टी टीवी, तो यहाँ पर मिलते हैं। नवदीप आपकी फेवरेट सीरीज मैम। मेरी फेवरेट सीरीज तो बच्चा मेरे को तो मतलब ठीक है सारी, आजकल जैसे मैं अभी मैंने देखी थी वो वाली क्या बोलते हैं सूट्स वगैरह मैं देख रही थी। वैसे तो मेरे को देखो ये इंडियन, ये अभी मेरे को वो वाली देखनी है, एक बच्चे ने मेरे को सजेस्ट करी थी, ये कौन सी है वो, मैं देख नहीं पाई वो वाली सीरीज अभी जो रिसेंटली आई है। मैम छोले भटूरे खिला दो। अरे भाई तू आ, तू दिल्ली, तेरे को मैं छोले भटूरे खिलाऊंगी एकदम। यू आर सो मच एनर्जेटिक, थैंक्स लॉट। अरे आओगे तुम लोग दिल्ली तो बिल्कुल मेरे से मिलना, तुम लोग को छोले भटूरे लेकर जाऊंगी एकदम, वहां पे कैंपस में मिलते हैं हमारे, तो मतलब उसको खाओगे ना तो बेटा मजा आ जाएगा। दिल्ली के एकदम लोकल स्ट्रीट फूड खिलाना है मैंने तुम लोगों को, तो मतलब एकदम चटोरे बन जाओगे तुम लोग, मजा आ जाएगा, चटपटा दिन जाएगा तुम लोगों का। शायद आप मुझे पसंद नहीं करती। अरे भाई सृष्टि ऐसा कुछ नहीं है, देखो आई लव ऑल। ठीक है तो कभी कभी वो इतने इतने मैसेज आ रहे होते हैं ऐसे निकल जाते हैं मेरी आंखों के सामने से, ना छोले भटूरे खिला दो। बिल्कुल बच्चा शेर सिंह आ जा, तू तेरे को खिलाएंगे छोले भटूरे। मैम दिल्ली में आने के बाद आएंगे। हाँ एम्स दिल्ली बिल्कुल बच्चा, यहाँ पर लो तुम लोग मेडिकल में एडमिशन, और जब आओगे जिस भी कॉलेज में, तो यहाँ पर देयर आर लॉट्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन लाइक, ये कौन सा है, लेडी हार्डिन में है मेरी एक स्टूडेंट, एक यहाँ पर है क्या बोलते हैं ये जो सफदरजंग में है, और बाकी उत्तराखंड में बहुत सारे कॉलेजेस में, एक मुंबई में, तो मतलब यहाँ पर जहां मैं जाऊंगी वहां पर मेरे मेरे को स्टूडेंट, हिमाचल में उस दिन गई थी तो हिमाचल में भी मेरे को दो मेरे स्टूडेंट्स मेरे को वहां पर उन्होंने घुमाया है मेरे को प्रॉपर। उनको मैंने कहा यार कैंपस में मेरे को भी जगह दिला दो, तो एक दिन उन्होंने मेरे लिए अरेंजमेंट भी करी उस जगह की। तो मतलब ये होता है कि फायदा होता है स्टूडेंट्स का, देख रहे हो टीचर को कितने फायदे मिलते हैं स्टूडेंट्स के जब स्टूडेंट अलग अलग शहरों में होते हैं। ठीक है तो चलो बच्चा सी यू ऑल। ठीक है चलो बाय बाय, लेट मी जस्ट एंड दिस सेशन। ठीक है तो हाँ ब्लॉक बेटा, मैं ब्लॉक नहीं करती हूँ, ये अपने आप ही मुझे लगता है कि कुछ इसमें सिस्टम होता है, तो पता नहीं ये क्या है। मैम इंग्लिश मीडियम होगा क्या क्रैश कोर्स में? बच्चा क्रैश कोर्स में देखो हिंदी मीडियम भी होता है, मतलब हिंदी मीडियम का ये जैसे इंग्लिश चल रहा है ना, इंग्लिश मतलब हिंदी मीडियम का, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर, और प्लस इंग्लिश वालों के लिए सेपरेट बैच होता है, तो उसमें टोटल इंग्लिश होगी, हिंदी वालों के लिए अलग बैच होता है, तो मतलब अंदर बहुत सारी चीजें होती है बच्चा, अब एज पर योर रिक्वायरमेंट सारी चीजें वहां पर मिलती है।
चाहिए है, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है, यू कैन एनरोल वहां पर। मैम आपके चश्मे का नंबर क्या है? बेटा जीतराम ये मत पूछ, तूने मेरे को दुख दे दिया ये पूछ के, है ना? मैम आई एम फ्रॉम हिमाचल, निहारिका मैं आने वाली हूँ हिमाचल, मिलेंगे वहां पे, ठीक है? और हिमाचल में वो जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां काफी स्टूडेंट्स भी है मेरे, है ना? तो उन लोगों से मैं एक बार आई थी मिलने, ठीक है? तो चलो बच्चा, लेट मी जस्ट एंड दिस टॉपिक नाउ, मिलते हैं दिन के टाइम, ठीक है? और बच्चे यहाँ पर जो है मिलेंगे दिन में। अभी मैं ये पीछे ये जो बैकग्राउंड अजीब सा हो रहा है ना उसको ठीक करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ लेट भी हो गई थी थोड़ा सा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव सपोर्ट। एंड बच्चा बस बढ़ते रहो, तुम लोग पढ़ते रहो, कभी कोई डाउट फील हो मैडम आर ऑलवेज देयर, ठीक है? मैडम इज ऑलवेज देयर। तो चलो लेट मी जस्ट एंड दिस नाउ। तो चलो।